नेतृत्व करेगा और सचिवालय कर्मचारी सेवा संघ उनका कोऑर्डिनेशन करेंगे और सभी सेवाओं के जो संघ है उनके अध्यक्ष उस कमेटी के सदस्य होंगे। इस प्रकार हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। हमने ये विचार या इस बैठक में रखा है कि ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट का एक मसौदा तैयार करके हम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और जल्द से जल्द हम लागू करवाने की मांग करेंगे। तब तक हमारे तात्कालिक जो मांग है वो ये है कि सभी SDMs, ADMs और अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो क्रूशियल ड्यूटीज़ करते हैं उनको PSO यानी गनमैन मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस मांग को सुना और उस पर सकारात्मक उनका रुख था कि जल्दी करने की बात करी थी उन्होंने। सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, हम आज समय मांगेंगे, आज नहीं तो कल हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय से समय मांगेंगे, वो हमको समय देंगे तो हम उनसे मिल के और हमारी इस बैठक के बाद में जो हमारी डिमांड्स हैं उनको जल्दी पूरा करवाने हेतु उनसे आग्रह करेंगे। जितना जल्दी पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम एक महीने बाद यानी कि 16 दिसंबर को, एक माह बाद 30 दिन बाद 16 दिसंबर को फिर मिलेंगे यहाँ पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की कार्यकारिणी और जो हमारे अनुषंगी कर्मचारी संगठन है उनके सभी अध्यक्ष मिलेंगे, फिर बैठक करेंगे और हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमने ये निर्णय किया है कि हम फिर कार्य बहिष्कार करेंगे। सर आज हड़ताल खत्म है, आज हम घोषणा कर रहे हैं कि आज से 30 दिन के भीतर हमारा काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 30 दिन बाद हम वापस कार्य बहिष्कार करेंगे। आज हम चूँकि जनता से जुड़े हुए हम अधिकारी हैं और गांवों में शहरों में जनता हम पे डिपेंड रहती है, हम नहीं चाहते कि किसी गरीब का कोई काम रुके और किसी गरीब को परेशान होना पड़े, किसी किसान को परेशान होना पड़े, किसी भी व्यक्ति को, व्यापारी को भी परेशान नहीं होना पड़े। तो हम आज जो हमारा जो पेन डाउन है उसको वापस ले रहे हैं और हमारा काम नहीं होता तो आज से 30 दिन बाद हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, ये कार्यकारिणी ने बैठ के निर्णय किया है। ठीक है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, RS अधिकारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से। अध्यक्ष खराड़ी साहब ने इसका ऐलान कर दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि हमारी क्या क्या मांगे रही मुख्यमंत्री के समक्ष हमने रखा है, काम पर अब लौटेंगे RS अधिकारी, लेकिन कहा गया है कि 30 दिनों तक ये काम होगा, 16 तारीख को हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम पुनः पेन डाउन हड़ताल करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम जनता से जुड़े अधिकारी हैं, हमें लोगों के काम करने हैं तो हम नहीं चाहते लोगों को, ग्रामीणों को, गांव वालों को, गरीबों को सफर करना पड़े, इसलिए काम पर लौट रहे हैं RS अधिकारी। तो ये वक्त अब रहा, अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं।